और अब हम लोच लकार की ओर आगे बढ़ेंगे। लोच लकार कहते हैं आज्ञार्थक को। आज्ञा के अर्थ में जब किसी क्रिया का प्रयोग किया जाए तब वहाँ पर हम संस्कृत में लोट लकार के धातु रूपों का प्रयोग करेंगे। लोट लकार में विभिन्न धातुओं के रूप किस प्रकार बनते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले नृत धातु। नृत का तात्पर्य होता है नृत्य करना या नाचना। इसका लोट लकार में प्रयोग जैसे अन्य लकारों में हमने देखा रूप जो हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, इसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात तीन वचनों और तीन पुरुषों में विभिन्न लकारों में रूप बने हैं, ऐसे ही लोट लकार में भी विभिन्न धातुओं के रूप जो है इन तीन पुरुषों एवं तीन वचनों के आधार पर बनेंगे। तो देखते हैं नृत्य धातु, जिसका तात्पर्य होता है नाचना या नृत्य करना या नाचना, इसमें रूप कैसे बनता है। प्रथम पुरुष में देखते हैं रूप। नृत्यतो नृत्यताम नृत्यन्तो, नृत्य नृत्यतम नृत्यत, नृत्यानि नृत्याव नृत्याम, ये रूप बनता है। यदि आप ध्यान से देखें तो इनमें किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है ये आपको पता चल जाएगा। हम देखते हैं नृत्य धातु है और इसमें जो प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं वे तू ताम अंतु, अतम अत, आनि आव आम, इन प्रत्ययों का योग हुआ है। अर्थात परस्मैपदी धातुओं के जब हम रूप बनाएंगे लोट लकार में तब इन्हीं प्रत्ययों का हमें प्रयोग करना होगा। तो इन प्रत्ययों को अच्छा एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है कि लोट लकार का जब हम रूप बनाते हैं परस्मैपद में तो इसमें कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। आप देख रहे हैं कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें प्रत्ययों को विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रत्यय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर ही हम किसी भी धातु के, किसी भी परस्मैपदी धातु के रूप बना पाएंगे। तो एक बार पुनः प्रत्ययों को देखते हैं। तू ताम अंतु, अतम अत, आनि आव आम, ये प्रत्यय हैं। चलिए जैसे अब इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कहा जाए कि तुम नृत्य करो। देखिए लोट लकार मैंने बताया था कि इसका अर्थ प्रयोग जो है आज्ञार्थक होता है, अर्थात आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तुम नृत्य करो यह वाक्य है, तो तुम के लिए हम क्या कहेंगे। तुम के लिए संस्कृत का शब्द है युष्मद। तो तुम जो है क्या है, ये प्रथम विभक्ति और एक वचन का है। तो युष्मद का रूप आप ध्यान रखें, त्वम युवाम यूयम, ये हम जानते हैं। तो त्वम जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो तुम नृत्य करो यह वाक्य है, तो तुम के लिए अब हम यहाँ पर कह देंगे प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता पद, तुम के लिए त्वम, और नृत्य करो ये कहाँ है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए क्रिया क्या होगी, क्रिया भी हमको मध्यम पुरुष एक वचन का लेना होगा। तो नृत्य धातु का रूप आप देख रहे हैं, इसमें मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप यहाँ पर हमको दिखाई देता है नृत्य। त्वम नृत्य अर्थात तुम नृत्य करो, ये तात्पर्य होगा। ऐसे ही यदि कहा जाए कि तुम सब नृत्य करो तब क्या होगा, तुम सब के लिए क्या कहेंगे, तुम सब नृत्य करो ये कहा जा रहा है। तो तुम सब के लिए त्वम युवाम यूयम, तो यूयम का प्रयोग करेंगे, यूयम और नृत्य करो अर्थात तुम सब नृत्य करो, अर्थात नृत्य करो ये कहा जा रहा है, ये क्या है, बहुवचन का है। तो यूयम क्या हुआ, बहुवचन कर्ता पद है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो ऐसे ही मध्यम पुरुष क्रिया भी आपको क्या लेना है, मध्यम पुरुष का लेना है और बहुवचन का रूप लेना है, तब वहाँ पर नृत्य करो कहा जा रहा है। तो इसका मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है नृत्यत। तो यूयम तुम सब नृत्य करो, इसका अनुवाद क्या होगा, तुम सब के लिए हमने कहा यूयम, ऐसे ही नृत्य करो के लिए हम कहेंगे क्या, नृत्यत, यूयम नृत्यत, तुम सब नृत्य करो। तो इस तरह से विभिन्न जो वाक्य हैं इनमें हम इन क्रियाओं के योग से सही सही वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। तो सही वाक्य निर्माण के लिए हमें कर्ता का रूप भी पता होना चाहिए और क्रिया का रूप भी पता होना चाहिए। जैसे क्रिया होती है वैसे कर्ता होता है, या कहें कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, किसमें, जो कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं उनमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्रुध धातु। क्रुध धातु का लोट लकार का रूप क्या होगा? क्रुध धातु, क्रुध मतलब होता है क्रोध करना, प्रथम पुरुष में इसका रूप बनेगा क्रुध्यतो, क्रुध्यताम, क्रुध्यन्तु, क्रुध्य, क्रुध्यतम, क्रुध्यत, क्रुध्यानि, क्रुध्याव, क्रुध्याम, ये रूप बन गया। ऐसे ही लिख धातु, लिख मतलब लिखना, इसका प्रयोग करना है किसमें? लोट लकार में। तब क्या होगा? देखिए प्रत्ययों का आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय क्या है हमारे? प्रत्यय है तू, ताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। इन प्रत्ययों को ध्यान में रखेंगे और इसमें क्या करेंगे? धातु का योग करेंगे। धातु है यहाँ पर लिख, तो लिख का योग करें इन प्रत्ययों के साथ में, तो रूप बन जाएगा लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखान, लिखाव, लिखाम। तो इस तरह से तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में लिख धातु के रूप बन गए। ऐसे ही हम मिल, मिल का तात्पर्य होता है मिलना, इसके इस धातु का भी रूप हम बना सकते हैं। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष में मिल धातु का रूप बनेगा मिलत, मिलताम, मिलन्तु, मिल, मिलतम, मिलत, मिलानि, मिलाव, मिलाम, है ना सरल? हाँ। तो ऐसे ही जितने परस्मैपदी धातुएं हैं उन सभी में हम क्या करेंगे? इन ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों का योग करेंगे और फिर रूप बनाते चले जाएंगे। आइए अब आत्मनेपदी धातुओं को देखते हैं। आत्मनेपदी धातु जैसे वृत्त, वृत्त मतलब होता है होना, इसका लोट लकार में रूप कैसे बनेगा? तो वृत्त धातु का लोट लकार में रूप बनता है वर्तताम। देखिए तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में भी रूप बनेगा, जितने भी लकार हैं उन सभी के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में रूप बनते हैं। तो वैसे ही वृत्त धातु का भी लोट लकार में रूप बनाएंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप बनेंगे। तो इसका वृत्त धातु का रूप बनता है लोट लकार में वर्तताम, वर्तेताम, वर्तन्ताम, वर्तस्व, वर्तेथाम, वर्तध्वम, वर्तई, वर्तावहई, वर्तामहे। ध्यान से देखें इन रूपों को तो आपको इन रूपों में प्रयुक्त प्रत्ययों का ज्ञान होगा। कौन कौन से प्रत्यय इनमें प्रयुक्त हुए हैं? देखिए वृत्त धातु का रूप बनता है वर्त, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो है अताम, वर्त धन अताम इति वर्तताम। तो क्या हुआ ये? अताम, एताम, अंताम, वर्तताम, वर्तेताम, वर्तन्ताम, प्रत्यय क्या प्रयुक्त हुआ यहाँ? अताम, एताम, अंताम। इसी तरह से वर्तस्व, वर्तेथाम, वर्तध्वम, यहाँ अस्व, एथाम, अध्वम, इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ। ऐसे ही वर्तई, वर्तावहई, वर्तामहि, यहाँ पर प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं ऐ, आवहई, आमहि। अर्थात आत्मनेपद की जो क्रियाएँ हैं उनमें हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे, अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आवही, आमही, इनका योग करते जाएंगे और आत्मनेपदी धातुओं के लोट लकार के रूप बनाते चले जाएंगे। आइए हम देखते हैं रुच। रुच का तात्पर्य होता है रुचना या अच्छा लगना, इसका रूप कैसे बनेगा? तो इसका रूप बनाते हैं, आइए देखते हैं रुच धातु का रूप लोट लकार में। प्रथम पुरुष में इसका रूप बनेगा रोचताम, रोचेताम, रोचन्ताम, रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम, रोचई, रोचावहई, रोचामहे। तो इस तरह से तीनों पुरुषों में रुच धातु के रूप इस प्रकार से बनते हैं। हमने किया क्या यहाँ पर? रुच धातु में अताम, एताम, अंताम, ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों का हमने योग किया और फिर रूप बन गया। प्रथम पुरुष में आप देख रहे हैं रोचेताम, रोचताम, रोचेताम, रोचन्ताम। मध्यम पुरुष में रूप बना है रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम। उत्तम पुरुष में रोचई, रोचावहई, रोचामहे। प्यारे बच्चों, जिस तरह से परस्मै पद और आत्मनेपदी धातुओं के रूप बनते हैं उसी प्रकार से जो धातुएं उभयपदी हैं उनके रूप भी इसी तरह से जो हम अभी हमने जिन प्रत्ययों की चर्चा की उसके आधार पर भी उनके भी रूप बनेंगे। तो आइए उभयपदी धातुओं को देखते हैं।
उभयपदी धातुओं में जैसे हम देखते हैं कृ धातु, कृ का तात्पर्य होता है कहना, इसका जब हम रूप बनाते हैं तब वहाँ पर रूप बनेगा कृ धातु प्रथम पुरुष में, ये हम देख रहे हैं परस्मै पद में, वहाँ पर रूप बनता है करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवाणि करवाव करवाम। तो ये हो गया लोट लकार में कृ धातु का परस्मै पदिक रूप। ऐसे ही आत्मनेपदी, आत्मनेपद में यदि इसका रूप बनाना चाहें तब इसका रूप बनता है प्रथम पुरुष में कुरुताम कुर्वाताम कुर्वताम कुरुस्व कुर्वाथाम कुरुध्वम करवई करवावहै करवामहै। तो इस तरह से ये उभयपदी धातु कृ को हमने देखा। ऐसे ही हम कहें कथ, कथ का तात्पर्य होता है कहना, इसका भी रूप जो है परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों में अलग अलग बनता है। परस्मै पद धातु में परस्मै पदी रूप इसका बनाना चाहें किसका, कथ धातु का, तब वहाँ पर रूप बनता है कथयतु, प्रथम पुरुष देख रहे हैं कथयतु कथयताम कथयन्तु कथय कथयतम कथयत कथयानि कथयाव कथयाम। ऐसे ही आत्मनेपद में इसका रूप बनाएंगे, रूप बनता है कथयताम, आत्मनेपद प्रथम पुरुष कथयताम कथियेताम कथयन्ताम, मध्यम पुरुष कथयस्व कथियेथाम कथयध्वम, उत्तम पुरुष कथयै कथयावहै कथयामहै। तो ये हो गया। ऐसे ही हम कहेंगे भक्ष, भक्ष का मतलब होता है भक्षण करना या खाना, इसका परस्मै पद में रूप बनेगा भक्षयतु भक्षयताम भक्षयन्तु भक्ष्य भक्ष्यतम भक्ष्यत भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम। आत्मनेपद देखते हैं, आत्मनेपद में जो कि देखिए ये उभयपदी धातु है इसलिए परस्मै पद में भी इसका रूप बनेगा और आत्मनेपद में भी रूप बनेगा। तो परस्मै पद धातु में परस्मै पदी रूप इसका कैसे बनता है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं आत्मनेपद रूप, आत्मनेपद में इसका रूप बनता है भक्ष धातु का प्रथम पुरुष में भक्ष्यताम भक्ष्येताम भक्ष्यन्ताम, मध्यम पुरुष में भक्ष्यस्व भक्ष्येथाम भक्ष्यध्वम, उत्तम पुरुष में रूप बनेगा भक्ष्यै भक्ष्यावहै भक्ष्यामहै। प्यारे बच्चों ये जो रूप बन रहे हैं विभिन्न लकारों में इनको आपको भली भांति समझना है जानना है क्योंकि इसके आधार पर ही हम विभिन्न वाक्यों की रचना कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक यह है कि जो परस्मै पदी जो प्रत्यय हैं ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं परस्मै पदी प्रत्ययों को, तु ताम अंतु अतम अत आनी आव आम, ये परस्मै पदी प्रत्यय हैं। इसी तरह से जो आत्मनेपदी प्रत्यय हैं उनको भी देखते हैं, अताम एताम अंताम अश्व एथाम अध्वम ऐ आवहि आमहि। तो इन प्रत्ययों को हमको ध्यान में रखना है और इन प्रत्ययों का योग हम धातु के साथ करेंगे और विभिन्न धातुओं में परस्मै पद एवं आत्मनेपद के रूप बनाने में हम समर्थ होंगे। प्यारे बच्चों विधि लिंग का प्रयोग इच्छावाचक के रूप में किया जाता है, इसे विध्यर्थक के नाम से भी जाना जाता है, विध्यर्थक या प्रार्थनार्थक भी इसे कहा जाता है। प्रायः चाहिए अर्थ में विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो विधि लिंग में विभिन्न धातुओं के रूप किस प्रकार बनते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नृत धातु, नृत का तात्पर्य होता है नृत्य करना या नाचना। ध्यान दीजिए जैसे हमने पहले कहा कि विभिन्न धातुओं के विभिन्न लकारों में जो रूप बनते हैं तीन पुरुषों में, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसी तरह से एक वचन द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप बनेंगे। तो नृत्य धातु का विधि लिंग लकार में रूप किस प्रकार होगा आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष में इसका रूप बनेगा नृत्येत नृत्येताम नृत्येयुः, मध्यम पुरुष नृत्येह नृत्येयम्, मध्यम पुरुष नृत्येह नृत्येतम नृत्येत, उत्तम पुरुष में रूप होगा नृत्येयम् नृत्येव नृत्येम। इन रूपों को यदि आप ध्यान से देखें तो इनमें जो प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं उन्हें आप पहचान पाएंगे।
धातु है हमारा नृत, नृत को आप अलग कर दीजिए तो उसमें से नृत्य जो है वो अलग दिखेगा। उसके बाद जो अंश आपको दिखाई दे रहा है वो इसके प्रत्यय हैं। तो यहाँ हम देखते हैं प्रथम पुरुष में नृत्येत, नृत्येताम, नृत्येयुः, यहाँ प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं एत, एताम, एयुः। ऐसे ही मध्यम पुरुष में देखते हैं नृत्येह, नृत्येतम, नृत्येत, यहाँ प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं एह, एतम, एत। ऐसे ही उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष का रूप बना है नृत्येयम, नृत्येव, नृत्येम, यहाँ प्रत्यय है एयम, एव, एम। तो इस तरह से इनके प्रत्ययों को हम अलग कर लिए। अब केवल प्रत्ययों को देखना चाहें तो प्रत्ययों को इस तरह से आप देख सकते हैं एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ये प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों का योग करना है और हमें धातु का रूप बनाना है विधि लिंग में। ये जब हम रूप बना लेते हैं तब ये क्रिया के जो रूप बने, धातु रूप बने, इनका हम विभिन्न वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा कि यह इच्छावाचक है, तो इच्छावाचक जैसे कहा जाए कि वह नृत्य करे, ऐसा है, वह नृत्य करे। अब इसको हम संस्कृत में कहना है तब कैसा होगा, तब यह जानना होगा कि लिंग क्या है। यदि पुल्लिंग के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है और स्त्रीलिंग के लिए भी। पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त करेंगे तो सह के स्थान पर वह कहेंगे और स्त्रीलिंग में सह के स्थान पर सा कहेंगे, वह के स्थान पर सा कहेंगे। तो पुल्लिंग बात करते हैं, वह नृत्य करे, तो वह के लिए हमने कहा सह, और नृत्य करे के लिए तो देखिए सह का पुरुष क्या है, सह का पुरुष है प्रथम पुरुष और एक वचन है, तो इसलिए क्रिया भी कैसा होगा, क्रिया का रूप भी हमको प्रथम पुरुष एक वचन में लेना होगा। तो नृत्य धातु का विधि लिंग में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप हम देख रहे हैं नृत्येत, तो सह नृत्येत, स्त्रीलिंग में कहेंगे तो सा नृत्येत। और इसी को यदि वचन बदलकर कहा जाए, जैसे बहुवचन में कहेंगे वे सब नृत्य करें, तब क्या होगा, तो वे के लिए हम कहेंगे सह तौ ते, पुल्लिंग कह रहे हैं तो ते नृत्येयुः, यदि स्त्रीलिंग में होगा तब, तब स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे सा ते ताह, तो ताह, देखिए वे सब नृत्य करें, यह वाक्य यदि स्त्रीलिंग का है तब वे सब के लिए हम कहेंगे ताह, और नृत्य करें तो ताह नृत्येयुः। तो इस तरह से विधिलिंग लकार के जो वाक्य हैं इनका हम संस्कृत में सरल रूप में कह सकते हैं, कब, जब हमको सही क्रिया क्या है, क्रिया का पुरुष क्या है, क्रिया का वचन क्या है यह पता हो, और वैसे ही कर्ता का भी पुरुष और वचन क्या है यह पता होना चाहिए, क्योंकि कर्ता और क्रिया के सामंजस्य से ही एक सम्यक वाक्य का निर्माण होता है। आइए अब हम देखते हैं क्रोध, क्रोध धातु का विधि लिंग में रूप कैसे बनेगा। वैसा ही बनेगा जैसे प्रत्यय जो हमने अभी देखा एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, इन प्रत्ययों का योग हमको क्रोध के साथ में करना है। क्रोध मतलब होता है क्रोध करना। प्रथम पुरुष में क्रोध धातु का रूप बनता है क्रुध्येत, क्रुध्येताम, क्रुध्येयुः। मध्यम पुरुष में क्रुध्येह, क्रुध्येतम, क्रुध्येत। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा क्रुध्येयम, क्रुध्येव, क्रुध्येम। तो यह हो गया क्रुध धातु का रूप। ऐसे ही लिख धातु, लिख मतलब होता है लिखना, इसका हमें विधि लिंग में रूप बनाना है, तब उसका रूप क्या होगा, विधि लिंग में लिख धातु का प्रथम पुरुष का रूप बनेगा लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः। मध्यम पुरुष लिखेह, लिखेतम, लिखेत। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा लिखेयम, लिखेव, लिखेम। ऐसे ही मिल, मिल का तात्पर्य होता है मिलना, इसका भी रूप इसी तरह से बनेगा जैसे लिख का बना। कैसे, आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष में मिल धातु का रूप बनेगा मिलेत, मिलेताम, मिलेयुः, मिलेह, मिलेतम, मिलेत, मिलेयम, मिलेव, मिलेम। तो इस तरह से ये जो भी हमने प्रत्यय देखा एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत,
एम एव एम, इन प्रत्ययों का योग करके हम जितनी भी परस्मैपदी पदी धातुएं हैं उन सभी का रूप बना सकते हैं। आइए अब आत्मनेपदी जो धातुएं हैं उनके रूप किस तरह से बनते हैं विधि लिंग में ये देखते हैं। तो धातु हम देखते हैं वृत्त, वृत्त का मतलब होता है होना, इसका विधिलिंग में रूप कैसे बनेगा। प्रथम पुरुष में इसका रूप बनेगा वर्तेत, वर्तेयाताम, वर्तेरन। मध्यम पुरुष में रूप होगा वर्तेथाह, वर्तेयाथाम, वर्तेध्वम। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा वर्तेय, वर्तेवहि, वर्तेमहि। इन रूपों के यदि आप ध्यान से देखें तो इनमें जो प्रत्यय है वो आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा। देखते हैं धातु क्या है, यहाँ पर वृत्त है, वृत्त का वर्त रूप बनता है, उसमें से जो प्रत्यय है उसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ देखते हैं प्रथम पुरुष में वर्तेत, वर्तेयाताम, वर्तेरण, यह रूप है। इसमें से जब हम प्रत्यय अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एत, एयाताम, एरण। ऐसे ही मध्यम पुरुष का जो रूप है वर्तेथाह, वर्तेयाथाम, वर्तेध्वम। इसमें से प्रत्ययों को अलग कर लें तो रूप दिखाई हम देता है एथाह, एयाथाम, एध्वम। ऐसे ही उत्तम पुरुष का रूप है वर्तेय, वर्तेवही, वर्तेमही। इनमें से हम प्रत्ययों को अलग करते हैं तो वहाँ हमको रूप दिखाई देता है एय, एवही, एमही। तो इस तरह से ये जो प्रत्यय हमको दिखाई दिया एत, एयाताम, एरण, एथाह, एयाथाम, एध्वम, एय, एवही, एमही, इन प्रत्ययों के योग से हम आत्मनेपदी धातुओं के रूप बना सकते हैं। आइए देखते हैं रुच धातु। रुच का मतलब होता है रुचना या अच्छा लगना। इसका जब हम रूप बनाते हैं विधि लिंग लकार में तब उसका रूप क्या होगा, उसका रूप होगा प्रथम पुरुष में रोचेत, रोचेयाताम, रोचेरण। देखिए करना क्या है कि अभी हमने जो जिन प्रत्ययों की चर्चा की उन प्रत्ययों का योग आपको रुच धातु के साथ करना है। तो रुच का रोच रूप बनता है तो उसमें आप जोड़ते चले जाएंगे तो रूप बनता चला जाएगा। प्रथम पुरुष पुनः देखते हैं रोचेत, रोचेयाताम, रोचेरण। मध्यम पुरुष रोचेथाह, रोचेयाथाम, रोचेध्वम। उत्तम पुरुष होगा रोचेय, रोचेवही, रोचेमही। तो यह हो गया परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातुओं के विधि लिंग के रूप। ऐसे ही जो उभयपदी धातुएं हैं जिनके रूप जो है परस्मैपद में भी बनते हैं और आत्मनेपद में भी बनते हैं, ऐसे ही हमारी धातु है एक क्री। क्री धातु का जब हम रूप देखते हैं परस्मैपद में विधि लिंग में तब वहाँ पर इसका रूप बनता है प्रथम पुरुष में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। मध्यम पुरुष में रूप होता है कुर्याह, कुर्यातम, कुर्यात। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। यह हो गया परस्मैपद में क्री धातुओं का रूप। क्री का मतलब होता है करना। अब इसका हम आत्मनेपद में रूप देखते हैं तो आत्मनेपद में प्रथम पुरुष में क्री धातु का रूप बनता है कुर्वीत, कुर्वीयाताम, कुर्वीरण। मध्यम पुरुष में रूप बनता है कुर्वीथाह, कुर्वीयाथाम, कुर्विध्वम। उत्तम पुरुष में रूप होगा कुर्वीय, कुर्वीवही, कुर्वीमही। तो इस तरह से उभयपदी जो धातुएं हैं उनके भी रूप परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों में आप बनाने में समर्थ हो पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कथ धातु। कथ भी क्या है, उभयपदी धातु है। इसके रूप जो है परस्मैपद में भी बनते हैं और आत्मनेपद में भी बनते हैं। परस्मैपद में कथ धातु के विधि लिंग लकार में क्या रूप होगा देखते हैं। प्रथम पुरुष में इसका रूप होगा कथयेत, कथयेताम, कथयेयुः। मध्यम पुरुष में रूप होगा कथयेह, कथयेतम, कथयेत। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा कथयेयम, कथयेव, कथयेम। तो ये हो गया परस्मैपद में रूप। अब कथ धातु का आत्मनेपद में रूप कैसा होगा, आत्मनेपद में इसका रूप बनेगा प्रथम पुरुष कथयेत, कथयेयाताम। देखिए आत्मनेपद में प्रथम पुरुष में कथ धातु का रूप देखते हैं। प्रथम पुरुष में रूप बनेगा कथयेत, कथयेयाताम, कथयेरण। मध्यम पुरुष कथयेथाह, कथयेयाथाम, कथयेध्वम। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा कथयेय, कथयेवही, कथयेमहि। यहाँ ध्यान दीजिएगा कथ धातु या आत्मनेपद और परस्मैपद में जो चलने वाली धातुएं हैं उनके रूप परस्मैपद के मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप और
आत्मने पद में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, दोनों एक सा है, दोनों एक ही है, तो उसको आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन से पद का प्रयोग हुआ है, आत्मने पद का प्रयोग हुआ है कि परस्मै पद का प्रयोग हुआ है। वचन भी आप देख लीजिए, पुरुष भी देख लीजिए, इसके अनुसार से आप उसका निर्णय कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं भक्ष धातु। भक्ष का मतलब होता है भक्षण करना या खाना। इसका विधिलिंग में रूप कैसे बनेगा? विधिलिंग में इसका रूप बनता है परस्मै पद में, भक्षयेत, भक्षियेताम, भक्षियेयुः, भक्षियेह, भक्षियेतम, भक्षियेत, भक्षियेयम्, भक्षियेव, भक्षेम। ये रूप बनता है परस्मै पद में। ऐसे ही आत्मने पद में इसके रूप भक्ष धातु के रूप बनेंगे, भक्षियेत, भक्षियेयाताम, भक्षियेरण। मध्यम पुरुष में रूप होगा भक्षियेथाः, भक्षियेयाथाम, भक्षियेध्वम्। उत्तम पुरुष में रूप बनेगा भक्षियेयम्, भक्षियेवही, भक्षियेमहि। तो इस तरह से जो विभिन्न धातुएं हैं उनके परस्मै पद में भी रूप बनते हैं, माने जो परस्मै पदी धातु हैं उनके परस्मै पद में रूप बनेंगे, जो आत्मनेपदी धातु हैं उनके रूप आत्मनेपद में बनते हैं, और जो उभयपदी धातु हैं उनके, हाँ बिल्कुल सही कहा, उनका रूप जो है परस्मै पद में भी बनता है और आत्मनेपद में भी बनता है। तो इन विविध रूपों को की जानकारी हमें रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि इसके माध्यम से हम विभिन्न वाक्यों की रचना कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि परीक्षा की दृष्टि से भी ये जो धातु रूप हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि धातु रूप से संबंधित विविध प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको कुछ रूप दिए जाते हैं, उनमें से भिन्न क्या है यह चयन करना होता है। तो रूप कैसे बनते हैं? एक तो लकार की दृष्टि से रूप बनता है, पुरुष की दृष्टि से रूप बनता है, वचन की दृष्टि से रूप बनता है। तो तीनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न आपको दिए जाएं, जैसे पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ कि इनमें से भिन्न पृथक कीजिए, भिन्न क्या है यह बताना है। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे करिष्यतः, करिष्यथः, करिष्यावः और करिष्यति। ये चार पद दिए हैं, चार में से भिन्न कौन सा है ये आपको चयन करना है। तब आप देखें कि यहाँ पर जो तीन शब्द हैं करिष्यतः, करिष्यथः और करिष्यावः, ये क्या है? ये सभी द्विवचन के हैं, लेकिन यहाँ पर करिष्यति जो दिया है ये क्या है? ये एक वचन का है। तो वचन की दृष्टि से यहाँ भिन्नता है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखते हैं, लिखति, लिखसि, लिखतः, लिखतः और लिखन्ति, ये चार पद हैं, लिखति, लिखसि, लिखतः और लिखन्ति। अब इनमें से भिन्न कौन सा ये चयन करना है। तब आप देखेंगे यहाँ पर लिखसि, लिखतः, लिखन्ति ये कहा गया है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो लिखति जो है ये क्या है? ये पुरुष की दृष्टि से भिन्न है, तो इसको हम क्या करेंगे? पृथक करेंगे। वैसे ही लकार की दृष्टि से हम देखें तो अगला प्रश्न देखते हैं, मिलति, मिलतः, मिलामि और मेलिष्यामि। तो यहाँ पर मिलति, मिलतः, मिलामि ये सभी क्या है? ये सभी लट लकार के हैं, लेकिन मेलिष्यामि जो कहा गया है ये क्या है? ये लृट लकार का है। तो लकार की दृष्टि से यहाँ भिन्नता है, तो इसका आपको चयन करना है। तो इसी तरह के और भी जो अन्य प्रश्न होंगे इनका आपको अभ्यास करना है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो अध्ययन किया है इसके आधार पर कुछ प्रश्न मैं देना चाहूँगा, ये आप नोट करेंगे और इसको आप अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है इनके क्या करना है? इनके आपको वचन, लकार और पुरुष पहचान कर लिखना है। धातु के जो रूप हैं वे हैं वर्तते, अनृत्यत, लिखन्तु और कथिये मही। इन प्रश्नों को आप लिखें और अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखेंगे, इनको हल करेंगे और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। और साथ ही साथ अभी हमने ये जो धातु प्रकरण के अंतर्गत विभिन्न धातु रूपों का जो अध्ययन किया है इसका भली भांति आप अभ्यास करेंगे, इससे आप धातु रूपों का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है इसमें पारंगत हो पाएंगे। चलिए
इन्हीं के साथ सर्वेभ्यो नमो नमः।